Simpa Networks, a solar technology and finance company based in India, has a bold mission to make modern energy simple, affordable, and accessible for everyone. Simpa sells solar home systems to poor households in rural India and makes them affordable by allowing customers to pay on an incremental basis using its proprietary pay-as-you-go metering technology. Through offering solar technology that replaces kerosene and powers home devices, Simpa is already improving the lives and health of tens of thousands of people. To reach its customers, Simpa has developed a cadre of energy friends, or Urja Mitra, who serve as rural solar entrepreneurs. Meet one such agent, Rakendra Kumar. Prior to becoming a Simpa Urja Mitra, Rakendra Kumar taught at the local college. On a visit to Hathras city, he saw a billboard and a TV ad featuring Simpa. He was intrigued. It turned out that a relative worked for Simpa and got him an interview, and before he knew it, he had a job as a Simpa Urja Mitra. Mera naam Rakendra Kumar. विलेज लालगड़ी, शिगंधा राव, हाथरस। मैं सर दिसंबर 2014 से हूँ। यूएम बना था मैं इसमें और शिम्पा में। जैसे मैं अपने इसी लालगड़ी विलेज की बता दूँ, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, इसमें लाइट नहीं है और जो ट्रांसफार्म होता है वो फुका हुआ है 2-3 महीने से। जब मैंने पहला प्रोडक्ट निकाला तो पहला प्रोडक्ट देखने के बाद गाँव में और भी लोगों ने देखा। देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया तो 2-3 निकाले, उसके बाद फिर और देखा कस्टमर में गाँव में विलेज में जा करके तो डिमांड आने लगी। जहाँ हमारा एक प्रोडक्ट बिच रहा है उसकी जगह फिर हमारा 10 प्रोडक्ट बिचना स्टार्ट हो गया, 10 की जगह हमारा 20 प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। Simpa offers solar home systems that range in size from 20 to 100 watts. New customers sign a contract agreeing to make a series of payments, each of which unlocks the solar home system for a specific amount of time. Once the prepaid time is exhausted, the solar home system is temporarily disabled until another payment is made. After the customer completes the contract, the system is automatically unlocked permanently, and the customer enjoys full ownership of solar energy free and clear. और कैसी हो, ठीक हो? आपने ₹100 लगवाने की कहा था। हमारी कंपनी ने अभी 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए, तीनों की किस्त और अमाउंट उसका जो भी है वो अलग अलग है। सारी चीज़ कस्टमर को बता के चलते हैं, उसी के बाद फॉर्म भरते हैं, कस्टमर से सिग्नेचर कराते हैं और फ़ोटो वगैरह लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं उनके। अपनी तरफ से कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे के लिए भेजते हैं हमारे RSA। वहाँ के बाद फिर वो कंपनी में फॉर्म ऑफिस जाता है, वहाँ से TVR वगैरह जो भी है, हाउस विजिट करें या TVR करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या करेंगे। जब मालूम पड़ जाता है कि जो हमारा कस्टमर है संतुष्ट है पूरी तरीक़ा से, सारी चीज़ किस्त वगैरह देने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है, तो फिर वहाँ से कंपनी की तरफ से वो प्रोडक्ट को भेजते हैं। 3 डेज़ के अंदर सिस्टम आ जाता है। हाथरस में ट्रेनिंग में हमें सारा कुछ बताया गया था कि कंपनी में इसमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कस्टमर को कैसे समझाना है, तो ये सब कुछ बताया गया था। फिर हम फील्ड में निकलने गए, वहाँ हमने लोगों को समझाया, कस्टमरों को समझाया और उसको एक ट्रेनिंग देते हैं। ये आपको चीज़ मिलेगी, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना, वो सारी चीज़ हम उनको बताते हैं। सपोज करो कभी सिस्टम दिक्कत करने लगता है, सिस्टम हमारा ख़राब हो गया, तो उसके लिए कंपनी ने एक नंबर दे रखा है। उस नंबर पर कस्टमर केयर नंबर है, उस पर हम कॉल करते हैं तो हमारे 7 डेज़ कंपनी का डाटा होता है, वो 7 डेज़ के अंदर आपका सिस्टम 101% सही करके जाएंगे। सिम्पा के अंदर सर 5 साल के अंदर अभी जब हमने 2 साल में इतना बेनिफिट हो गया है, 5 साल में सर हम काफ़ी आगे पहुँच सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा, उसमें पहुँचने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। Rakendra Kumar is one of Simpa's top Urja Mitras. He recently won a free trip to Kashmir because his sales were so high. Rakendra is well on his way to success. With support from REMP, the Renewable Energy Microfinance and Microenterprise Program, funded by USAID, the United States Agency for International Development, and with assistance from Arc Finance, Simpa Networks is scaling its operations.